हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं नहा धो करके कंप्लीट हो गई हूँ। नाश्ता वगैरह अभी बन के कम्प्लीट है, मैंने किया नहीं है अभी तक। और मैं अभी नहा के पूजा करके आई हूँ घर में, और नाश्ता कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे लोग मेरे नाश्ता कर लिए हैं, वो लोग अभी पढ़ाई करने के लिए बैठ गए हैं। और दिन है आज संडे, और सुबह के 10 बज चुके हैं, और हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा धूप आ चुका है। अभी धूप इतना ही ज़्यादा है कि फ़ोटो वगैरह अच्छे से नहीं आ रही है बालकनी से मेरे। और इधर देख सकते हैं तीनों बच्चे मेरे स्टडी करने में लग गए हैं। बाबू तुम कुछ नहीं लिया बाबू? यहाँ बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह कंप्लीट करवा दिया है, और यहाँ बच्चे बैठ गए हैं अपने स्टडी को लेकर के। किसी का होमवर्क, किसी का क्लास वर्क, ये सब सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। और इधर मैंने अपना भी नाश्ता निकाल लिया है, जैसा कि देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा चाय लिया है, और मैं पुआ बनाई थी तो वही पुआ लेकर के बैठी हूँ। रोटी सब्जी वगैरह मुझे मूड नहीं है खाने का, तो मैंने सोचा चलो इसी को खा लेती हूँ। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, जब से तबीयत ख़राब हुआ है तब से खाने जो है मुझे पसंद थोड़ा सा लेट ही आ रहा है, बट खाना तो है थोड़ा मोड़ा करके। तो ये सोच के उसके बाद मैं निकली थी हस्बैंड जी के साथ बाहर। यहाँ देख सकते हैं हम लोगों को जाते जाते दिख गया था बम्बू स्टिक। तो हम लोगों ने करीबन 1 किलो तक का ये बम्बू स्टिक लेकर के हम लोग घर आ गए थे। यहाँ देख सकते हैं इन सबों को मैं ले आई थी, तो वही थोड़ा सा साफ क्लीन करना रहता है। तो ये देख सकते हैं मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर जो छिलके वगैरह रहते हैं वो सबको हटा करके धो करके बहुत अच्छी ज़्यादा पानी में करके डिप करके मैंने वॉश किया है पहले। उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना होता है, तो मैं आज इसी का रेसिपी आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत कर जाइएगा, वरना रेसिपी भी मेरी आज स्किप हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने बैम्बू स्टिक को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करके इधर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। और इस पानी में जाएगा थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड करना है। और पानी जब तक खौल नहीं जाता है तब तक मैं वेट कर लूँगी। तो इधर देख सकते हैं कि पानी हमारा बिल्कुल हीटअप हो चुका है, बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए वैसा हो गया है। तो मैं इसमें बम्बू स्टिक जो कट करके रखी थी उसको मैं सारे को इसमें डिप कर दूँगी, और 1-2 उबाल आ जाने तक मैं वेट करूँगी। इसको ढक के यूँ ही छोड़ दूँगी। और इधर हस्बैंड जी को बैम्बू स्टिक का ये पकोड़ा भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी, इधर किचन के और काम में हस्त व्यस्त चल रही थी, तो इनका हाथ लग चुका है और ये आ गए हैं किचन में बनाने के लिए। पकौड़ियाँ बन रही है गर्मा गर्म वाली, करील पकोड़ा बन रहा है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाई उसी का पकोड़ा बन रहा है। इसका बहुत सारी रेसिपीज बन जाते हैं, जिनको आता होगा उन लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं तो फिलहाल आज आपको मैं सब्ज़ी ही दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत कोई लोग ऐसे हैं जो इसका सब्ज़ी बनाना नहीं आता है। कोई कोई है कि समझ भी नहीं पाते कि इसको करना क्या है, सब्ज़ी है या नहीं है, कन्फ्यूज़न में रहते लेते नहीं हैं। तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ वही बम्बू स्टिक बोलते हैं, चाबी वही होगा यहाँ नहीं बेटा, बालकनी में देखो। और इधर देखिए मेरे हस्बैंड जी के हाथों का पकोड़ा, और इधर मैंने बम्बू स्टिक डाला हुआ है बॉईल पानी में, बिल्कुल से खौलता पानी था ये, और इसमें मैंने एक बॉईल होने तक उबाल लूँगी इसको। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा काम कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैं ये पकौड़ियाँ सारा मैंने निकाल दी हूँ यहाँ पे। और इधर साथ ही साथ मेरा बैम्बू स्टिक भी बॉयल हो चुका था काफ़ी, 1-2 उबाल जो मुझे चाहिए था वो कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने यहाँ से छान उसको पानी में से निकाल लिया है, और उसको 1-2 बारी और फ्रेश वाटर में मैंने उसको क्लीन कर लिया है। उसके बाद इधर मैंने कढ़ाई रख दिया है, और उसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाला है। उसके बाद प्याज डाला है, ये प्याज मैं अच्छे से पहले ब्राउन हो जाने तक मैं भून लूँगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ज़रा सा भी अगर हम लापरवाही करते हैं इसको, ज़रा सा भी इधर उधर बनाने में मिस्टेक कर देते हैं, तो फिर इसका टेस्ट पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। तो इधर प्याज मेरा ब्राउन हो चुका था, तो मैंने इसमें 1 टमाटर कट करके डाल दिया है, और टमाटर जब मेरा अच्छे से
गलने लगा था तब मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छे से मिलाते हुए भून लूँगी। उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है यहाँ पे। आप लोग अदरक लहसुन अगर पसंद नहीं करते हो तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। मैं हर सब्ज़ी में अदरक लहसुन का पेस्ट में मुझे अच्छा लगता है और मेरे फैमिली वालों को भी अच्छा लगता है। और इसमें गया अब नमक मैंने डाल दिया है और नमक को मिलाते हुए सारे मसाले में अच्छी तरीके से पहले भूनूंगी। और ये देख सकते हैं टमाटर हमारा जो था बिल्कुल गल चुका है। उस इसमें गया ये सूखी पाउडर जो मैं मसाले जो यूज करती हूँ रेगुलर में उसको मैंने डाला है। फिर हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने ये बैम्बू स्टिक का जो मैंने चॉप करके बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके बॉयल करके रखा था उसको अब यहाँ पे ऐड कर दिया है। मसाले सारे भून चुके थे मेरे इस टाइम तक और अब मुझे इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। बस मुझे यूं ही इसको धीमी धीमी आंच में बिल्कुल से धीरे धीरे पका लेना है। एकदम हल्के हल्के जैसे भुजिया वगैरह हम लोग कुछ भी बनाते हैं उस तरीके से इसको भून लेना है एकदम से। और यहाँ देख सकते हैं कि इसका लुक बहुत अच्छे से आ रहा था। मुझे बहुत मन हो रहा था कि मैं इसको कब खाऊं ऐसा वाला फीलिंग आ रहा था मेरे अंदर। और इधर देखिए कि मोस्टली ये अब बनने ही वाला है और ये देख सकते हैं बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ आप लोगों को मैं फाइनल लुक अब मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स मेरा सब्जी बन चुका है। ये देख सकते हैं डिलीशियस बैम्बू स्टिक मैंने बना के रेडी कर लिया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनता है और मेहनत कुछ भी नहीं है। कुछ तो मेहनत है बट इतना भी मेहनत हम लोग मान के चले तो फिर सारी चीज़ों से हम लोग वंचित रह जाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे। और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत इजीली फॉर्मूले से बन जाता है। तो एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा, इसको देख के भागिएगा नहीं मार्केट में कि ये है क्या। मेरे अगल बगल भी लोग पूछते हैं कि क्या आप लाते हैं, क्या बनाते हैं। तो मैं आज वीडियो के माध्यम से सबको ही दिखा रही हूँ कि ये बहुत अच्छा वेजिटेबल है, बहुत टेस्टी बनता है और अच्छा लगता है। मेरे घर में तो सभी लोगों को पसंद है। तो आप लोग भी इस फॉर्मूले से एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं लाइएगा, थोड़ा बहुत ही ला के फैमिली के साथ बना करके इंजॉय करके देख लीजिएगा कि कैसा बनता है। बहुत अच्छा है और इसको एक कॉमन भाषा में बस्करील भी बोलते हैं इसको। और जैसे कि बहुत सारे लोग इसको बम्बू स्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा था मेरा आज का रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।